सुजानपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत जोल के पलाही में विनोद नरोता द्वारा कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने भी शिरकत की। विधायक राजेंद्र राणा ने इस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यदि क्षेत्र के लोगों की सेवा करने को भाजपा के नेता एवं पदाधिकारी उन्हें मादारी कहकर बुलाते हैं तो इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब बेटी की शादी करवाना, महिला मंडलों को सम्मानित करना व मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ वे निस्वार्थ भाव से जिला, प्रदेश और बाहरी राज्यों में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई गलत काम नहीं है। राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस जगह पर 90 लाख रुपए खर्च करके इस जगह का चैनलाइजेशन किया गया था। भाजपा के पटलांदर में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह पर विधायक राजेंद्र राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि पटलांदर में पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों को सम्मानित न करके भाजपा नेताओं ने इस बात को दर्शा दिया है कि वे मात्र पार्टी के लोगों को ही सम्मानित करते हैं। यदि उनके सम्मेलन या समारोह में अन्य पार्टी का कोई पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ता गलती से पहुंच जाता है तो उसे सम्मानित नहीं किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर आयोजन किया है, वहीं पर इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया है और आप सबके लिए खाने की भी इन्होंने व्यवस्था करके रखी है, इसलिए सब इनके लिए ताली जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। जहां जिला अध्यक्ष ने इनका स्वागत किया है, वहीं पर इलाके का विधायक होने के नाते और पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका कांग्रेस पार्टी में जोरदार स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी में आपका पूरा मान सम्मान भी किया जाएगा। एक दौर ऐसा आया कि एक कोरोना नाम की कोई चीज आ गई और हम सब लोगों के बीच में दूरियां बन गई, घरों से निकलना मुश्किल हो गया, कैद हो गई घरों में और लंबे समय तक हम लोग जो हैं बने रहे। अब धीरे धीरे सब ईश्वर की कृपा से ठीक हो रहा है, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, काम खुल गए, अब फिर से काम। यहाँ बहुत सारी चर्चा मेरे से पहले मेरे साथियों ने की, मुझे लगभग 20 साल हो गए और 20 साल में मैंने अपने इलाके में किसी की सेवा पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का मजहब नहीं पूछा और ना ही किसी की मैंने पार्टी पूछी है। अगर काम किया है तो इंसानियत के लिए किया है और इंसानियत की सेवा के लिए किया है। कोई आदमी सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में खड़ा होकर कह दे कि मैं राजेंद्र राणा के पास गया और राजेंद्र राणा ने कहा कि आप तो भाई भारतीय जनता पार्टी के आदमी, इसलिए आपका काम नहीं होगा। जिस दिन कोई ये साबित कर देगा कि राजेंद्र राणा ने किसी जाति, किसी धर्म और किसी पार्टी के नाम पर काम किया है, उस दिन हम सियासत से रुखसत कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए, यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आए। आप देखिए, वो दौर भी था जब राजा वीरभद्र जी की सरकार प्रदेश में थी, आपने मुझे विधायक बनाया, आपके आशीर्वाद से विधायक बने और साथ में राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से हमें प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उपाध्यक्ष के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला। वो दौर भी था जब पलाई वाले यहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया और मैं जंगल वैली की तरफ से आ रहा था तो यहां 8-10 लोग खड़े हुए और एक महीने के अंदर पैसा स्वीकृत करवा के 90 लाख रुपया लेके आए राजा वीरभद्र जी से और इस सारे नाले का चल रहे 3.5 करोड़ रुपया जो है वो सचुई में चैनलाइजेशन का, अब जो है बैरी में, खैरी में कई जगह चैनलाइजेशन करने के लिए जो मैंने स्कीमें डाली थी उनके लिए पैसा स्वीकृत हुआ है। जहां स्कूल बोले स्कूल अपग्रेड करने हैं वहां स्कूल अपग्रेड हुए। सुजानपुर में कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी, कम थी, 5 करोड़ रुपए की कॉलेज की सुजानपुर में बिल्डिंग बना के दी। सुजानपुर में 13 रोड पे आईटीआई का भवन जो था तो किराए पे था, 3 कमरों में आईटीआई का भवन था,
किराए पे था, चलती थी। 3.5 करोड़ रुपए का वार्ड नंबर 4 सुजानपुर में डोली में आईटीआई का भवन खड़ा करके दिया।